तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले जो हमारे पास मोबाइल फ़ोन है मोटो G54 5G मोबाइल फ़ोन, और आज हम इसके अंदर करने वाले हैं BGMI का गेम प्ले, देखने वाले हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस होने वाली है हमारे फ़ोन की। तो फटाफट जो हमारा BGMI उसके ऊपर टैप करके इसको प्ले कर लेते हैं। जब तक ये प्ले हो रहा है तब तक मैं आपको फ़ोन के प्रोसेसर के बारे में बता दूं, जो आपको मिल जाता है MediaTek Dimensity का 7020 का आपका जो ये प्रोसेसर मिलता है, जिसकी क्लॉक स्पीड आपको मिल जाती है 2.2 GHz की, और साथ ही साथ आपका जो फ़ोन है वो 12 GB रैम और 256 GB के वेरिएंट में आए, जो ये है हमारा फोन है। ठीक है, तो फटाफट जो हमारा गेम है ये प्ले हो रहा है और हम इसे गेम प्ले करके देख लेते हैं कैसा क्या ये गेम है। अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है तो काफ़ी फास्टली जो ये रन कर जाएगा, बाकी थोड़ा सा इसको प्रोसेसिंग में लगेगा टाइम, तो थोड़ा सा कर लेते हैं वेट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लॉबी में आ गए हैं। लॉबी में आने के बाद मैं सबसे पहले बता दूंगा हमारा जो फ़ोन है उसके ग्राफिक्स वगैरह क्या ग्राफिक्स सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं नीचे के ऑप्शन का जो सेक्शन है उस पर मैं टैप करता हूँ। नीचे के ऑप्शन पे टैप करने का जो सेटिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देना। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाएगा, उसके नीचे आपको मिल जाएगा ग्राफिक्स का सेक्शन। तो ग्राफिक्स के सेक्शन पर मैं आ जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं आपको इसके अंदर स्मूथ, बैलेंस और एसडी भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। एसडी आप देख रहे हैं डाउनलोड हो रहा है, पर आपका जो एसडी है वहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं, एसडीआर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि एसडीआर अभी इसमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अल्ट्रा एसडी और एक्स्ट्रा एसडी ये कुछ भी आप सपोर्ट नहीं है, तो इस वजह से आप कोई भी नहीं कर इनमें से आप कोई भी प्ले नहीं कर सकते। बाकी बैलेंस में आप अल्ट्रा पे फ्रेम रेट रख सकते हैं और एसडी वाले सेक्शन पे हाई फ्रेम रेट रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एसडी तक सपोर्ट करता है और आपका जो हाई फ्रेम रेट वो सपोर्ट करता है, तो हम जो है एसडी पर क्लिक कर लेते हैं और फ्रेम रेट को हाई पे कर लेते हैं। हम वापस कंट्रोल के सेक्शन में आ जाते हैं, इसके अंदर एडवांस का सेक्शन है, इसके अंदर आके हम जायरोस्कोप और देख लेंगे कि हमारा जो जायरोस्कोप है ये सपोर्ट करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको जायरोस्कोप का ऑप्शन मिल जाता है, तो हम इसके अंदर जो जायरोस्कोप है उसे हम ऑन कर देते हैं। बाकी फटाफट लॉबी में आ जाते हैं, और तो फटाफट हमने जो है लिविक जो मैप है वो हमने डाउनलोड कर लिया है, हमने लिविक पे डाउनलोड करके और जो गेम है उसे स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा करते हैं वेट और गेम को प्ले होने देते हैं। तो फटाफट देख सकते हैं हम आ चुके हैं गेम के अंदर, और अब देख लेते हैं कैसा क्या गेम है थोड़ा सा प्ले करके। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं हम जो है उतर चुके हैं, और फटाफट देख सकते हैं इसके जो सारे बटन्स वगैरह है वो बराबर वर्क कर रहे हैं, प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, मुझे डिले वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है। बाकी थोड़ा और गेम देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सही रिव्यू दे पाएंगे। तो थोड़ा सा भी गेम प्ले और कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बता दूं हमने जो फर्स्ट टाइम जो है हमारा गेम प्ले कंप्लीट कर लिया, करीब 18 मिनट तक हमारा गेम चला। वापस हम उसका टेम्परेचर देख रहे हैं, तो अभी इसका जो टेम्परेचर वो 100 डिग्री बता रहा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है। बाकी ज़्यादा पास से देख रहे हैं तो थोड़ा हीट तो हो गया है फ़ोन, एक गेम में नॉर्मल हीट हो गया है, बाकी फटाफट कूलेंट भी हो रहा है। मतलब जैसे ही मैं रख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए भी फ़ोन, तो जो फ़ोन है वापस हमारा नॉर्मल हो जा रहा है। थोड़ी देर और गेम प्ले करके देखते हैं कैसा क्या हमारा फ़ोन वर्क करता है। तो फटाफट कर लेते हैं गेम प्ले। We'll be right back.
तो फ्रेंड्स हमने करीब 3-4 गेम प्ले कर लिए, मैंने करीब 40 मिनट गेम प्ले किया है। अब टेम्परेचर देख लेते हैं, हमारा जो फ़ोन है वो 106 डिग्री सेल्सियस जो है वो जो है हीट हो चुका है। बैक साइड से देख लेते हैं और हमारा जो टेम्परेचर है वो आपको दिखाई रहा होगा, 106 डिग्री जो सेल्सियस जो है टेम्परेचर हमारा जो हो गया है। अभी देख सकते हैं 101 डिग्री हो गया, मतलब धीरे धीरे हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाता है। बाकी अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं पूरे जो फ़ोन है उसमें से पबजी को हटाकर थोड़ी देर के लिए हम फ़ोन को रखेंगे, उसके बाद देखेंगे हमारा जो टेम्परेचर वो कितनी देर में नॉर्मल हो जाता है। बट मैं एक बार आपको बता दूँ, अगर आपको इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो आप एक काम करिएगा, मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं या तो आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, नहीं तो हमारा चैनल एक गेम का चैनल बना रहा है जिसके ऊपर हम बड़ी बड़ी वीडियो अपलोड करा करेंगे, जैसे 45 मिनट 40 मिनट की इतनी बड़ी वीडियो हम इस चैनल पर नहीं डाल सकते क्योंकि इतनी देर तक कोई देखेगा नहीं। बाकी अभी आप देख सकते हैं 100 डिग्री हो चुका है जो इसका टेम्परेचर है, हमने जो है पबजी वगैरह को हटा दिया है बिल्कुल। उसके बाद आप थोड़ी देर के लिए हमारा जो फ़ोन है उसे हम रख देंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो फ़ोन है वो कैसा क्या वर्क कर रहा है। और रही बात, मैं आपको बता दूं हमने गेम प्ले किया उसमें कोई भी समस्या नहीं। बाकी अभी आप देख सकते हैं 339 हो रहा है, तो अभी हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे फोन को, उसके बाद देखेंगे कैसा क्या वर्क करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि जैसे अभी मैंने गेम प्ले किया इसके अंदर मेरे को कोई भी लैग के इशूज़ नहीं मिले जो 40 सेकेंड के अंदर, क्योंकि इसकी जो रैम है वो 12 GB रैम है और 256 का स्टोरेज मिल जाता है, प्रोसेसर भी आपका ठीक ठाक है। बाकी अभी देख सकते हैं हमारा जो टाइम है वो 343 हो गया है, मतलब करीब करीब हमें 4 मिनट हो गए, 4 मिनट के अंदर हमारा जो टेम्परेचर है वो देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है, 98.4 हो चुका है, यानी हमारा जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो चुका है, हमारा जो फ़ोन है वापस जो है ठंडा हो गया है, गर्म नहीं हुआ, 4 मिनट के अंदर हमारा जो फ़ोन है वापस हो गया नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। जो इसका नॉर्मल टेम्परेचर है 98.2 बता रहा है, बैक साइड का फ्रंट का बता रहा था 98.1, तो ये जो टेम्परेचर है नॉर्मल हो गया है। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट। तो हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।